ठीक है, मैं लौट लूंगी आपके पास शैलेंद्र। जैसे ही प्रशासनिक हमले का जिक्र होगा या मुख्यमंत्री का जिक्र होगा, आपसे अपडेट हम लेंगे। प्रवीण तंवर हमारे से हरदा से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रवीण, ताजा अपडेट दीजिए। जी, ये जो पूरा मामला है हरदा के मगरदा रोड का मामला है, यहाँ पर ये फटावा फैक्ट्री थी जिसमें यहाँ पर 11 बजे के लगभग यहाँ पर तेज धमाका हुआ और आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि धुआं है वो कई किलोमीटर दूर से देखा जा रहा था। लगातार यहाँ पर विस्फोट हुए और अभी भी हो रहे हैं। यहाँ पर तत्काल दमकलें पहुंचाई गई, लेकिन जो दमकलें थी हरदा जिले में वो पर्याप्त नहीं थी। इस कारण आसपास के जो जिले हैं, होशंगाबाद का जो सिवनी मालवा इलाका है, देहरादून जिले का खाते गांव है, हरसूद, बैतूल, यहाँ से भी जो है दमकलें यहाँ पर मौके के लिए रवाना कर दी गई है और आग बुझाने का काम यहाँ पर जारी है। लेकिन आग पर अभी काबू नहीं पाया जा सका है। कारण उसके पीछे ये है कि यहाँ पर जो फटाका है वो काफी बड़ी संख्या में यहाँ स्टोर कर रखा था, जिसके कारण आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। धमाके यहाँ पर लगातार हो रहे हैं और यही कारण है कि प्रशासन ने ये जो पूरा इलाका है पूरा सील कर दिया है। फैक्ट्री के आसपास यहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है और यहाँ पर जो कलेक्टर ऋषि गर्ग है, उन्होंने अभी हमको जो जानकारी दी थी उसके अनुसार 20 से 25 घायल होने की बात उन्होंने कही है। लेकिन जो फैक्ट्री के अंदर मजदूर थे, कितने लोग इससे हताहत हुए हैं, क्या कोई जनहानि हुई है या नहीं हुई है, इसको लेकर फिलहाल अभी कोई खुलासा नहीं हो चुका है, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर अभी नहीं जा पा रहे हैं लोग। जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है, या एडीएम, कलेक्टर, एसपी, सीओ, पूरा पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। और अभी हमारे पास जो जानकारी लगी, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उन्होंने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और जो यहाँ के जो मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, उनको जो है यहाँ पर रवाना करने के निर्देश उन्होंने जारी कर दिए। साथ ही जो राज्य आपदा जो विशेष जो टीम होती है उसको भी यहाँ पर रवाना किया गया है और कुछ ही देर में यहाँ पर ये जो कुछ ही जो घंटे हैं, 1 या 2 घंटे में ये लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और इस पूरे मामले को जो है यहाँ पर संभाला जाएगा और आप पर काबू पाया जाएगा। एक तस्वीर को लेकर आपसे जानकारी चाहूंगी प्रवीण, चूंकि एक वीडियो जरूर सामने आया, मैं चाहूंगी कि वो वीडियो जरा दिखाएं फुल स्क्रीन, किस प्रकार से अफरा तफरी सड़कों पर नजर आती है। कुछ एक वीडियो ऐसी भी, कुछ एक तस्वीर ऐसी भी जिसमें पता चलता है कि कुछ लोग सड़कों पर पड़े हुए हैं, शायद विस्फोट का ये असर है, अफरा तफरी है, और किस अवस्था में पड़े ये भी नहीं पता है। प्रवीण जी, ये जो पूरा घटनाक्रम था, क्योंकि ये बारूद वाला इलाका था, यहाँ पर आसपास भी लोग थे, तो जो घायल हुए वो यहाँ पर बेसुध हो गए थे। बेसुध इस तरीके के हो गए थे कि वो सड़क पर, उनको कुछ होश आवाज नहीं था कि किस तरीके का ये वाकया। हालांकि लोग यहाँ पर घायल हुए हैं जिनको जिला अस्पताल में यहाँ पहुंचाया गया है और फिलहाल पूरा यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कलेक्टर ने यहाँ कमान संभाल रही है और जल्द ही आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी, नर्मदापुरम और बैतूल के जिलों को भी कहा गया है कि सतर्क रहें, प्रशासनिक टीमों को वहां पर बताया गया है कुछ? हाँ जी हाँ, ये जो पड़ोसी जो हमारा नर्मदापुरम यहाँ पर जो जिला है, वहां का जो सिवनी मालवा तहसील है, वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारियों को वहाँ पहुंचने के निर्देश जारी कर दिए हैं और आसपास की जो जितने भी जिले हैं, वहाँ की जो तहसील है जो हरदा जिले से लगी हुई है, वहाँ के उन लोगों को बोला गया कि आप तत्काल यहाँ पर पहुंचे और जो यहाँ का जो प्रशासन है उनको सहयोग करे। धमकले भी यहाँ पर जो आसपास के जिलों से ठीक है प्रवीण, ठीक है मैं पहुंचूंगी आपके पास, मैं एक बार फिर से लौटूंगी किस प्रकार का अपडेट है। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चूंकि पूरा हरदा जिला और ये जो घटना स्थल है वहां आग ही आग है, धुएं का गुबार है, लोगों के लिए खड़ा होना बहुत मुश्किल हो चुका है। स्थानीय जो लोग हैं वो लगातार इस एरिया से बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ ग्रामीण जो दौड़ते भागते आपको कुछ तस्वीरों में नजर आएंगे, कुछ तस्वीर ऐसी भी जिसमें आपको विस्फोट का नजर आएगा असर, क्योंकि कई पत्थर जो विस्फोट के बाद सड़कों पर बिखर गए। कलेक्टर की तरफ से क्या कुछ कहा गया एक बार फिर से आपको सुना देते। अचानक सुबह ब्लास्ट हुआ है और भीषण आग लगी है जिसकी वजह से कुछ लोग घायल भी हुए हैं, करीब 20-25 लोग हमने जिला अस्पताल में एडमिट भी कराए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। आसपास के जिलों से हमने एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की टीम और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम और एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया है और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे जिला प्रशासन की ओर से जारी है। सर, कितने लोग हताहत होने की संभावना देता है? अभी 20-25 लोगों को हमने एडमिट किया है और कुछ लोग क्रिटिकल भी हैं। सर, मौत की कोई आंकड़ा आया क्या इसमें? नहीं, अभी नहीं आया है। और सर, इसमें प्रशासन ने क्या व्यवस्था बनाई है घायलों को उपचार? हम लोग फायर ब्रिगेड भी हमने पर्याप्त मात्रा में लगाए हैं और आसपास के जिलों से भी हमने हेल्प मांगी है, वहां से भी जब हमें फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस आ जाएंगी उससे भी हम लोगों को राहत पहुंचाएंगे। कलेक्टर जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आसपास के जिलों से मदद मांगी है, अलग अलग जो टीमें हैं वो रवाना हो भी चुकी हैं,
भोपाल और इंदौर में जो मेडिकल केयर यूनिट है उनको भी कहा गया है कि आप सतर्क रहें, अगर जरूरत पड़ती है तो वहां पर भी मरीजों को लेकर जाएंगे, वहां पर भी घायलों को लेकर जाएंगे, क्योंकि बहुत व्यापक स्तर पर इसका असर फैलता हुआ नजर आता है। बहुत बड़े स्तर पर यह आग फैली और आग अभी भी बुझी नहीं है, ये एक बड़ा अपडेट है। प्रयास लगातार किए जा रहे हैं कि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन जिस फैक्ट्री में आग लगी उसमें पटाखा बनाने का काम होता था, इसलिए बारूद यहाँ पर अभी भी रखी हुई है और इसी के चलते जो ब्लास्ट हैं वो निरंतर चल रहे हैं। ब्लास्टिंग को लेकर सूचना अभी भी खत्म नहीं हुई है। हमारे सहयोगी प्रवीण तंवर जो फोनलाइन पर जुड़े हुए थे, उनकी तरफ से ज़रूर इस पर अपडेट दिया गया कि दमकल की जो टीमें हैं लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन अभी तक ब्लास्टिंग को रोका नहीं जा सका है, क्योंकि अंदर बहुत बड़े स्तर पर आग फैली है और काबू पाना इतना आसान नहीं होगा। प्रशासनिक अमला ये भी समझता है और इसी के चलते एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को कह दिया गया है कि आप यहाँ पर पहुँचें, उसके बाद जो राहत बचाव कार्य है वो बहुत बड़े स्तर पर होने वाला है। हरदा का ये इलाका बहुत दूर है शहर से, चूंकि पटाखा फैक्ट्री है, हालांकि आसपास मजदूरों के परिवार वाले ज़रूर रह रहे थे, लेकिन जो मुख्य सिटी है वहाँ से भी आपको धुआं दिखता हुआ नज़र आएगा आसमान में। आप ये समझ सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर आग फैली होगी और कितना बड़े स्तर पर इसका नुकसान फैला होगा। ये चौथी तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रही थी कुछ देर पहले, हड़कंप का ये नज़ारा आप ये समझिए किस प्रकार से ये दृश्य बताता है। पहले तो पत्थर उड़कर इस तरफ आए, कुछ वाहन जो आपको सड़क पर पड़े नजर आएंगे और धीरे धीरे कर आप अगर इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तब आपको एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ भी नजर आएगा। प्रवीण हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रवीण ये जानकारी कि विधायक पहुंचने वाले थे और ऊर्जा मंत्री भी पहुंचने वाले हैं, साथ ही मुख्यमंत्री ने भी कुछ आला अधिकारियों को पहुंचाया है, यहाँ पर पहुंचे हैं क्या अभी तक? भोपाल से यहाँ की दूरी लगभग 160 है, तो लगभग 2 से 2.5 घंटे में यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर जो घायलों को लेकर जो जो काम है वो लगातार यहाँ पर जारी है। फिलहाल पूरा ध्यान जो है यहाँ पर प्रशासन का सिर्फ इस बात पे है कि किसी भी तरीके से पहले आग पर काबू पाया जाए और अंदर जाया जाए, अगर कोई लोग फंसे हैं या घायल हैं या कोई जनहानि किसी प्रकार की अगर हुई हो तो उन लोगों को पहले यहाँ से बाहर निकाला जाए, उसके बाद यहाँ पर जो है सभी चीजों पर प्रशासन एक्शन लेगा। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर आग पर नहीं काबू पाया जा सका है। दमकलें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, यहाँ खातेगांव जो तहसील है देवास जिले की वहां से की वहां की भी दमकल यहाँ पर आई है, सिवनी मालवा की दमकल भी यहाँ पर पहुंचने वाली है और आग बुझाने का काम यहाँ पर जारी है। लेकिन हरदा में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी बुलाया गया है प्रवीण, उनको कितना समय लग सकता है पहुंचने में? लगभग 2.5 से 2.5 घंटे लगभग यहाँ पर लगेंगे उनको, क्योंकि भोपाल से लगभग 160 किलोमीटर दूरी है यहाँ पर हरदा की, और होशंगाबाद से भी 100 किलोमीटर ये है, खंडवा से 110 किलोमीटर है, इंदौर से भी लगभग 160 किलोमीटर की दूरी हरदा की है। तो जो भी लोग हैं वो उनको कम से कम 2.5-3 घंटे का समय यहाँ पर लगेगा ही, वो कितनी भी तेजी से कर ले लगभग, लेकिन 3 घंटे का समय उन लोगों को यहाँ पर पहुंचने में लगेगा। जी ठीक है, और स्थानीय लोगों की मौजूदा स्थिति बताइए क्या, चूंकि कुछ ग्रामीण जो हमें भागते हुए नजर आए हैं वीडियो में, हालत ठीक है उनकी? जी, जो आसपास जो लोग थे उसमें से कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं, उनको जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यहाँ मौके पर बहुत काफी भीड़ है, करीब 2 किलोमीटर दूर से यहाँ पर जो प्रशासन ने चारों तरफ से पूरा इलाका सील कर दिया है, यहाँ पर लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि धमाके यहाँ पर बंद नहीं हुए, तो इस कारण आसपास लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। अभी न्यूज 18 ने जो है सबसे पहले इस चीज को दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पर धमाके हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पर कैजुअलिटी हुई है, तो लगातार न्यूज 18 अपने दर्शकों को ये चीज बता रहा है कि ये जो हरदा में जो दुखद हादसा हुआ है, जो भयानक हादसा हुआ है, उस पर किस तरीके से जो खबरें सामने आ रही हैं या कोई जनहानि हुई है या कोई हताहत हुए हैं, इसको लेकर न्यूज 18 अपने दर्शकों को लगातार अपडेट करेगा। जी, किसी अनुमान के तौर पर प्रवीण आप कह सकते हैं कि जब विस्फोट हुआ होगा तब इस फैक्ट्री में कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हो सकते हैं? उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर 150 मजदूर जो है सुबह की शिफ्ट में काम करते हैं, लगभग 10:30 बजे यहाँ पर फैक्ट्री की शुरुआत होती है काम करने की, और यहाँ पर जो आसपास के ग्रामीण इलाकों से लोग आते हैं जिसमें महिलाएं भी शामिल है, वो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और अंदर फैक्ट्री के अंदर पटाखे बनाने का काम करते हैं। लेकिन आज कितने मजदूर पहुंचे थे, अंदर कितने मजदूर थे, और या फैक्ट्री में जब आग लगी या धमाके होना शुरू हुए, ये एक तस्वीर सामने आई। प्रवीण मैं रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा आपको, यहाँ पर ये तस्वीर जो आई थिंक उस इलाके की है जहां पर आग पर काबू पाया गया है, अभी पूरी तरह से आग नहीं बुझ पाई है, लेकिन ये एक तस्वीर जरूर सामने आई, एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। ये वो इलाका जहां पर इस विस्फोट का असर
देखने को मिला है। प्रवीण, पेड़ जले हुए नजर आ रहे हैं, कई ऐसे सामान जो शायद रोजमर्रा के थे या ग्रामीणों के थे, वही शायद दिख रहे हैं जलकर खाक हो चुके हैं। जी हाँ, ये स्कूल क्योंकि अगर अंदर मजदूर सो रहे थे, निश्चित तौर पे बड़ी जनहानि यहाँ पर हुई होगी। जो हमारी जानकारी के अनुसार लगभग 80 से ज्यादा लोग इसमें कोई बड़ी जनहानि 80 के लगभग हुई होगी, ऐसा आसपास के लोग कह रहे हैं यहाँ पर। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम निरंतर आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से पेड़ जले हुए आपको नजर आएंगे। और जब पेड़ों का और इन सामग्रियों का इस प्रकार का हाल है, तब प्रवीण हमारे सहयोगी इस बारे में भी बता रहे हैं कि अंदर कई लोग मौजूद थे, उनका क्या हाल हुआ होगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल। हालांकि हम ये लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी प्रकार की जनहानि की ना ही सूचना सामने आए, क्योंकि प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रयास ये किया जा रहा है कि सभी को हॉस्पिटल ले जाया जा सके। प्रवीण, चूंकि प्रशासन और कलेक्टर की तरफ से भी हमने इस बात की चर्चा सुनी है कि मुख्यमंत्री भी पूरी तरह से सक्रियता बरत रहे हैं इस मामले को लेकर, प्रशासनिक अमले में भी निश्चित तौर पर इस प्रकार की तेजी दिख रही होगी प्रवीण? हाँ जी हाँ, जब मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक थी भोपाल में, तो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ मौजूद थे, और जब उनको इस घटना की जानकारी लगी तो उन्होंने संवेदनशील का तत्काल परिचय दिया, और यहाँ हरदा के स्थानीय अधिकारियों को भी जो है तत्काल निर्देशित किया कि राहत कार्य में या बचाव कार्य में किसी तरीके की लापरवाही यहाँ बरती नहीं जाए। और उसके उसी का असर है कि यहाँ पर प्रशासन भी लगातार यहाँ मौजूद है, कलेक्टर सहित पूरे आला अधिकारी यहाँ मौजूद है और पूरा मुस्तैदी से यहाँ पर काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी जो मोहन यादव हैं, उन्होंने निर्देश भी किए हैं कि मंत्री यहाँ पर प्रद्युम्न सिंह तोमर पहुंचे और तत्काल राहत कार्य बचाव कार्य जो भी चल रहा है उसको लेकर जो है यहाँ पर कमान संभाले। तो अभी जो अपडेट है उसके अनुसार कुछ ही देर में यहाँ पर ये लोग पहुंचेंगे और उसके बाद हम आपको पूरा अपडेट बताएंगे। जी, एक और चीज जिस पर जानकारी मैं चाहूंगी, मुख्य शहर से अलग है क्या ये इलाका, आउटर में पड़ता है क्या प्रवीण, मुख्य शहर पर कोई इसका असर, चूंकि आप ये कह रहे हैं कि विस्फोट का जो असर है वो दिखा है? ये मुख्य शहर की सीमा से बाहर है, हालांकि शहर से लगा हुआ इलाका है लेकिन शहर से बाहर है ये। ठीक है, जो है इसका असर शहर में देखने को नहीं मिल रहा, अगर ये शहर के बीच में होती तो अंदाज लगाना मुश्किल था इस घटना का। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास प्रवीण, लगातार अपडेट पहुंचाते रहेगा। फिलहाल ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ विस्फोट को लेकर ये दृश्य आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ जो धीरे धीरे कर तस्वीरें सामने आ रही है, जो अपडेटेड जानकारी सामने आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यहां पर ये दिखता है कि किस प्रकार से विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद जब दमकल की टीम यहां पर पहुंची, जैसे काबू पाया गया इस आग पर, उसके बाद का क्या मंजर रहा है। सहयोगी शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र आपके पास कोई अपडेट? चलिए, शायद शैलेंद्र सुन नहीं पा रहे, हमें प्रयास करेंगे उनसे बातचीत हम कर पाए, चूंकि ये बताया गया है कि मुख्यमंत्री की तरफ से आपात बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में तमाम उन अधिकारी कर्मचारियों को बुलाया गया है जो सीधे तौर पर इस तरफ देख सके कि कहीं भी अगर किसी आपात व्यवस्था की जरूरत हो तो वो पूरी तरह से पहले से ही सुनिश्चित कर ली जाए। भोपाल और इंदौर में ये माना जा रहा है कि जो मेडिकल यूनिट है उन्हें भी कहा गया है कि आप पूरी तरह से सतर्क रहें, अगर घायलों को यहाँ पर लाने की नौबत आती है तो वहां पर भी आपको व्यापक इंतजाम करने होंगे। सिवनी मालवा से भी ये माना गया है कि दमकल की जो टीमें वो रवाना हो चुकी हैं, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो समय लग सकता है। बैतूल और नर्मदापुरम, ये दो ऐसे ज़िले हैं जहां पर सबसे करीबी ज़िला ये माना जाता है हरदा के, और इसी के चलते सबसे पहले सहयोग इनसे मांगा गया और यहां से दमकल की टीमें रवाना हो चुकी हैं। सरकारी अस्पताल जितने भी यहां पर हैं, जितने भी निजी अस्पताल हैं, सभी से कहा गया है कि आप पहले से ही सतर्क हो जाएं इस चीज़ को लेकर कि अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तब घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए आपके लिए भर्ती करने के लिए भेजेंगे। तो ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें हरदा के इस विस्फोट का मंजर कैद हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले पहुंचाता हुआ और लगातार इस कामना के साथ पहुंचाता हुआ कि एक बड़े स्तर पर नुकसान ना हुआ हो। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं वो किसी को भी डराने के लिए काफी, बहुत ज्यादा भयानक विस्फोट हुआ है। आसपास के जो क्षेत्र थे वो भी माना गया है कि दहल गए हैं, और ये भी बता रहे थे प्रवीण के जो कांच हैं वो फूट चुके हैं, आसपास जो घर थे वहाँ की दीवारों में दरारें आ गई हैं। इतना व्यापक असर अगर विस्फोट का हुआ है तो फैक्ट्री का क्या हाल हुआ होगा इसका आप अंदाज़ा लगा लीजिए। फैक्ट्री में उस दौरान कितने लोग मौजूद थे, आग कैसे लगी, अचानक से विस्फोट हुआ या धीरे धीरे कर आग का दायरा बढ़ा है, ये हर चीज़ अभी जाँच का विषय रहेगी। क्या मजदूरों को इतना समय मिल पाया कि वो फैक्ट्री से बाहर आ पाते, ये चीज़ें हैं जो अब ये देखने वाली बात कि प्रशासनिक अमला कैसे हैंडल करता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे और आसपास इस विस्फोट के चलते दहला भी है शहर।
अफरा तफरी का माहौल है। लोग आपको दूसरे वीडियो में नजर आएंगे जो इस इलाके से दूर जाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि विस्फोट जो है निरंतर चल रहा है वो अभी भी चल रहा है। प्रशासनिक कमला जैसे ही पहुंचा, सबसे पहले एम्बुलेंसेस को यहां पर रवाना किया गया, सीधे एम्बुलेंसेस को अस्पताल भेजा जाता है। अफरा तफरी आप उस वीडियो में भी देखेंगे। और चौथा ये मंजर जो निश्चित तौर पर डरा देता है, कैसे जो वाहन थे वो भी क्षतिग्रस्त पाए गए हैं। हो सकता है कि विस्फोट का ये असर रहा हो कि उड़ के जो पत्थर हैं बहुत सारे नज़दीकी इलाकों में पहुँचे हों। घायल अवस्था में हैं लोग जो यहाँ तक पहुँचे हैं या ठीक हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो घटनास्थल पर जितने भी अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं, जितनी भी टीमें मौजूद हैं, वो प्रयासरत हैं कि समझ सकें। NDRF और SDRF की टीम को बुलाया गया है। आप घटना की संजीदगी का, गंभीरता का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाती है तब NDRF और SDRF को बुलाया जाता है, तब उनसे कहा जाता है कि सर आप मोर्चा संभालिए। और उसके बाद जब आप ये जानकारी सुनते हैं कि आपात बैठक मुख्यमंत्री ने बुला ली है, कैबिनेट की बैठक छोड़कर, तब आप ये कह सकते हैं कि प्रशासनिक कमला भी मुस्तैद है, राज्य सरकार की भी पूरी तरह से मदद है, पूरी तरह से नज़र है। और दूसरी तरफ NDRF SDRF की टीमें आपको कुछ ही देर बाद मोर्चा संभालती हुई नज़र आने वाली है। हो सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन इतने बड़े व्यापक स्तर पर चलाना हो कि जो स्थानीय प्रशासन है उसे हैंडल ना कर पा रहा हो, और इसी के चलते